हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई बिस्किट। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और बहुत ही हम इसे आसानी से बना सकते हैं। ना तो हम इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे और ना ही किसी ओवन में। आज हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में बहुत ही सिंपल वे से और बहुत ही इजी टेक्निक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप और हम मिलकर बनाते हैं नान खटाई। यहाँ पर हम एक कप मैदा लेंगे। आप कटोरी का नाप भी रख सकते हो, बाउल का नाप भी रख सकते हो। यहाँ पर हम 2 टीस्पून बेसन का यूज़ करेंगे। 1/2 कप मैंने शुगर पीसी हुई ली है। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 पिंच हम सॉल्ट का यूज़ करेंगे। 1/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। ये 1/2 बाउल मैंने घी का लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है। इसमें डालकर हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाना है हमें। देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इसको मैश करके रख लिया है। ये पूरा आटा नहीं लगेगा रोटी की तरह, बल्कि ये इस तरह से ये खुला खुला होगा। आप देखिए कितना ये सॉफ्ट है, ये आप देखिए इसका टेक्सचर। अब हमें इसको लेना है, इस तरह से रोल बनाना है। अब हमें इसे इस तरह से प्रेस करके इसको शेप दे देना है पेड़े जैसा। हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अपने आप भी थोड़ा सा जब ये सीखेगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें सारे नान खटाई को बनाकर रखना है। इसमें हम लगाएंगे कट, हमें हल्का सा इस तरह से इसमें कट मार्क लगाना है और इस तरह से सारी नान खटाई को रेडी कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी नान खटाई इस तरह से तैयार कर ली है। आप इसे ऊपर पिस्ता बादाम कुछ भी लगाकर आप इस पर डेकोरेट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव में बेक करो, इडली स्टैंड में भी आप इसको बेक कर सकते हो, आप पैन में भी इसको बेक कर सकते हो। आज हम करने वाले हैं कढ़ाई में। ये मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें नमक डाला है। आप चाहो तो सैंड का भी यूज़ कर सकते हो, सैंड या नमक में कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसे कम पर मैंने 2 मिनट प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ये मैंने नॉर्मल एक केक टिन लिया है, उस पर बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर कैसे बनता है इसकी रेसिपी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और इसमें हम लगाएंगे नान खटाई। थोड़े गैपिंग में हमें रखना है इसको, थोड़े थोड़े गैपिंग में आप देखिए प्लेस कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा फूलता है। हम इसमें एक डाल देंगे स्टैंड और उसके ऊपर इसे रखकर अब हमें इसे प्लेट से ढक देना है। ये बिल्कुल कम पर ही बेक होगा। अब हम इसे 15 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए हमें 15 मिनट हो गया है, अब हम इसको एक बार देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये फूल कर तैयार हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है। इसे थोड़ी देर के लिए हमें और ढकना होगा। देखिए हमें 15 मिनट और हो गया, अब हम इसे देखते हैं। वाओ, ये बिल्कुल रेडी है, ये सिक चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे अपना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टेम्परेचर रहता है, ये गर्म रहता है। तो हम इसमें ही इसे 5 से 10 मिनट और ढककर छोड़ देंगे जिससे ये और अच्छा हो जाए। फिर भी मैं आपको एक ट्राई करके दिखाती हूँ, देखती हूँ कि ये सिका है कि नहीं बराबर। ये बहुत गर्म है, ये देखिए बहुत अच्छा सिक गया है, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट इसमें ही ढककर छोड़ देंगे। मैंने गैस बंद कर दिया है। 10 मिनट हो गए हैं, हमने ढक्कन हटा दिया है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा छू सकती हूँ, ये बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ है, परफेक्ट है। इसे अब हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसे आराम से तोड़कर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग कितना अच्छा हमारा परफेक्ट नान खटाई तैयार हुआ है। देखिए ये बहुत ही अच्छा सिककर तैयार हुआ है। मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूँ इसका। ये देखिए कितना अच्छा हम इसे बिल्कुल आसानी से तोड़ सक रहे हैं। कितना सॉफ्ट हुआ है ये, आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है खाने में, तो आप लोग इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।